हेलो। तो सर, मैं हेलो। सबसे पहले तो आपका वेलकम करना चाहूंगा हमारी इस ऑनलाइन क्लासेस में, विक्रम राठौर जी। विक्रम जी है हेलो। ना आपका नाम? हेलो विक्रम जी, सुन पा रहे मुझे आप? नहीं सर, एक मेरी आवाज हेलो आ सर। रही है विक्रम जी? हाँ सर, आपकी आवाज आ रही है, बट कम आ रही है सर। तो विक्रम जी, सबसे पहले मैं आपको वेलकम करना चाहूंगा हमारी इस ऑनलाइन क्लासेस में। आपने एज ए डेमो क्लासेस ज्वाइन किया आज, ठीक है? ओके। सबसे पहले ट्रेनिंग जो जूम ऐप है, इस जूम ऐप के बारे में मैं समझा दूं, जिसके जरिए आप मेरी कंप्यूटर स्क्रीन को लाइव देख पा रहे हैं, मुझे लाइव सुन पा रहे हैं और मुझे वेबकैम थ्रू देख भी पा रहे हैं। तो एक जो मीडियम है, जो जूम ऐप है, ये आपके सिस्टम पे, आपके मोबाइल फोन पे और आपके टैबलेट पे, तीनों पे ये सपोर्ट करता है, ठीक है? इस क्लास में आप डायरेक्टली मेरे साथ इनडायरेक्ट इंटरेक्ट रहेंगे, जिसमें हम आपको हर एक चीज के बारे में समझाऊंगे। तो सबसे पहले जानिए कि ऑनलाइन ट्रेनिंग आपके क्लासरूम ट्रेनिंग से कैसे बेटर है। देखिए, क्लासरूम में आप जाते हैं तो क्या करता है, वो अपनी कंप्यूटर स्क्रीन को प्रोजेक्टर पे प्रोजेक्ट करके आपको दिखाता है और समझाता है। उसी तरह से मैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन को आपकी कंप्यूटर मोबाइल फोन एंड टैबलेट पे मैं प्रोजेक्ट करता हूँ और हम लोग वेबकैम के हेडफोन के जरिए हम आपस में आपको एक्सप्लेन करते हैं और आपके साथ लाइव। अब इसके बेनिफिट समझिए। सबसे पहले तो किसी भी ट्रेनिंग सेंटर में आने जाने की जो ट्रेवल टाइम है वो आपका बचता है। दूसरा, आने जाने के लिए जो तैयार होना होता है वो भी टाइम में बच जाता है, क्योंकि आप लोग वर्किंग है। मेरे पास जो भी ट्रेनिंग लेने के लिए आते हैं वो सारे वर्किंग होते हैं, तो जो वर्किंग प्रोफेशनल्स होते हैं उनके पास इतना टाइम नहीं होता है कि वो ऑफिस के बाद 2 घंटे, एक 1.5 घंटे आने जाने में वेस्ट करे और फिर 1 आध घंटे सीखने में वेस्ट करे, क्योंकि ऑलरेडी वो 10-12 घंटे की जॉब और 2-3 घंटे की जर्नी कर चुके रहते हैं। तो हमने क्या कर रखा है कि क्लासेस जो है कि आप अपने जॉब से पहले, जैसे कि अगर आप जनरल शिफ्ट है तो आप 9 बजे से पहले सुबह 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे ऐसे आप ले सकते हैं। अगर आपकी ईवे शिफ्ट है तो आप 12 बजे से पहले ले सकते हैं। अगर आपके नाइट शिफ्ट है तो 3-4 बजे ले सकते हैं, या फिर रात को 10-11 बजे, 8-9 बजे, जब भी आपकी सुटेबल टाइम हो उस टाइम को फिक्स करके आप उन सब क्लास ले सकते हैं। कल के डेट में आपका अगर जॉब की टाइम मिसमैच होती है तो आप अपनी क्लासेस को टाइम चेंज कर सकते हो। दूसरी सेशन क्या होती है कि हम जो भी कन्वर्सेशन करते हैं वो सारे कन्वर्सेशन को हम रिकॉर्ड करते हैं। अब रिकॉर्डिंग का बेनिफिट क्या होता है कि हम लोग क्लासरूम में खुद जब हम लोग पढ़ने जाते थे, हमारा लेक्चरर हमको क्या होता है कि वो हर एक चीज लिखाता था, बताता था, हम उसको कॉपी में लिखते जाते थे, लिखते जाते थे, लिखते जाते थे। और कुछ दिन, मैंने 1 या 2 दिन बाद हमें पता नहीं होता था कि हमने क्या लिखा है, हमें पढ़ना पड़ता था और महीने 2 महीने वहां तो कॉपी गायब हो जाती थी कि लिखा है कहाँ पे हो। तो इसलिए क्योंकि मैंने क्या कर रखा है कि हमें रिपीटेशन ना करना पड़े टॉपिक, इसलिए हम सेशन को रिकॉर्ड कर, ताकि जो चीज आप समझ रहे हो तो समझ ही रहे हैं, जो नहीं समझ पाए मतलब जो आपके समझे और भूल गए, या फिर आपको उतना ध्यान नहीं दिया, या फिर कुछ महीने बाद आप भूल गए, तो रिकॉर्डिंग से अपने आप को रिकवर कर सकते। दूसरी चीज मैं इसमें देता हूँ, फ्री रीज्वाइनिंग फैसिलिटी। जैसे कि मान लीजिए कि आपने क्लास कंटिन्यू किया और महीने बाद, 2 महीने कोर्स था, महीने दिन आपने किया और महीना दिन बाद आपका जॉब की ऐसी अरेंजमेंट हो गई या कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो गई, क्लास कंटिन्यू नहीं कर, तो इन फ्यूचर में कभी भी आप अपने कोर्स को जहां से छोड़ा है वहां से भी कंटिन्यू कर सकते हो, या फिर मेरे किसी रनिंग बैच में आके पूरी कोर्स को ही कंप्लीट कर सकते। यही नहीं, आपने अगर पूरी कोर्स भी कंप्लीट कर ली है उसके बाद भी लगता है कि आपको एक बार और पढ़ना है, 2 बार और पढ़ना है, 3 बार और पढ़ना है, तो आप आगे बढ़ सकते। अब ये कैसा, ऐसा मैं क्यों दे रहा हूं? इसका देने का पर्पस ये है मेरा, क्योंकि मैं सुबह से शाम तक सिर्फ एक्सेल की ट्रेनिंग देता हूं,
तो मान लीजिए कि मैं अगर सुबह 8 बजे किसी दो बच्चे को पढ़ा रहा हूँ जो कि मेरा न्यू बच्चे है, उन्होंने ज्वाइन किया है, उनके साथ अगर मेरा पुराना कोई एक बच्चा आ जाता है पढ़ने के लिए, तो मेरा कोई प्रॉब्लम है नहीं, क्योंकि मेरा कोई कॉस्ट नहीं जा रहा है ना, क्योंकि मुझे दो को तो पढ़ाना ही है और उन दोनों की कोई आपत्ति नहीं होगी। तो इसलिए हमने क्लासेस को रीज्वाइनिंग फ्री कर रखा है। अब आप कोर्स के बारे में बात करते हैं विक्रम जी, आपने मेरी वेबसाइट iptindia.com पे गए ही होंगे। हाँ तो मेरी वेबसाइट iptindia.com पे आपको मेरे सारे कोर्सेज के बारे में पता चलेगा, जितने भी कोर्सेज हैं यहाँ पे। तो मैंने इंडिविजुअली कोर्सेज दे रखे हैं, जैसे कि एडवांस एक्सेल फॉर वर्किंग प्रोफेशनल्स, एक्सेल वीबीए माइक्रो प्रोग्रामिंग, एमएस एक्सेस डेटाबेस एंड सीक्वल, ये अलग अलग है। आप देखो तो मैंने इसको कंबाइन भी कर रखा है, कंप्लीट कोर्स। अब इन सबों की कोर्स आउटलाइन के बारे में आप जानना चाहते हैं तो मैं इसके कोर्स आउटलाइन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको सारे कोर्सेज का पूरी डिटेलिंग में पता चलेगा कि हम किस टॉपिक में क्या क्या टॉपिक हम कवर कर रहे हैं, कितने प्रोजेक्ट्स हैं, कितने क्या है, कब कब प्रोजेक्ट करेंगे, उनके बारे में आपको पता चलेगा। कोर्स की ड्यूरेशन क्या है, फीस क्या है, ये आपको सबसे नीचे पता चलेगा। ठीक है सर विक्रम जी, विक्रम नाम सुनने नहीं कर रहा, नाम तो आई थिंक राठौर। हाँ एकनाथ, एकनाथ राठौर जी, माफ कीजिएगा मैं विक्रम राठौर बोल रहा था। तो राठौर जी समझ में आया आपको, तो आप जो है अब मेरे वेबसाइट पे जाके अपने लिए सुटेबल कोर्स को देख सकते हो। ठीक है सर, सर आप सुन पा रहे हैं मुझे ना, क्योंकि आपके तरफ से रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है तो मुझे लग रहा है आप सुन नहीं पा रहे हैं। हेलो, हेलो राठौर जी सुन पा रहे हैं मुझे आप सिस्टम पे? नहीं आपकी आवाज नहीं आ रही, तभी तो मैं बार बार हेलो हेलो कर रहा हूं। अच्छा माइक की प्रॉब्लम हो सकती है थोड़ा सा, माइक कौन सा आपने आपने लैपटॉप से ज्वाइन कर रखा है कि सेलफोन से कर रखा है? मोबाइल से ज्वाइन कर रखा है आपने, तो मोबाइल से तो प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ओके तो मैं आपको बोल रहा था कि हमने कोर्सेज मेरी वेबसाइट iptindia.com पे जाके मेरे कोर्सेज को अच्छी तरीके से आप देख लीजिए। ठीक है, हाँ पूछिए। हाँ ठीक है सर, देखिए हम जो कोर्स कराते हैं वो ऑटोमेशन के लिए कराते हैं कि आप अपनी कैलकुलेशन, अपनी रिपोर्ट्स और अपने काम को ऑटोमेट करें। तो मेरे पास जो कोर्स है आपके लिए वो पहला कोर्स है एडवांस एक्सेल फॉर वर्किंग प्रोफेशनल्स, क्योंकि सबसे पहले आपको दिख रहा होगा, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, इसमें हमने वो सारे चीज कर रखे हैं जो कि एक वर्किंग प्रोफेशनल को जरूरत है। ठीक है, जिसकी ड्यूरेशन आपको 25 से 30 महीने 30 दिन की है, मतलब कि आवर्स की है, 25 से 35 आवर्स की है, मतलब कि 1 से 1.5 महीने में आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। और साथ में हम रिकॉर्डिंग भी दे देंगे, उसके बाद प्रैक्टिस वगैरह कीजिए, अगर आपको लगता है कि दोबारा रिपीट करना है तो दोबारा भी रिपीट कर सकते हो। आप अपने ऑफिस की प्रॉब्लम क्लास में शेयर कर सकते हो,
जैसे कि मैं पिवट टेबल पढ़ा रहा हूँ, आपको पिवट टेबल से रिलेटेड कुछ काम करते हो तो आप अपना प्रॉब्लम शेयर करेंगे। आपको जैसे ही कुछ प्रॉब्लम होगी, मतलब कि जो हम आपके टॉपिक को अपना ये बना लेंगे, क्लास का टॉपिक, आपके प्रॉब्लम को मैं अपना क्लास का टॉपिक बना के उसी पे आपको हम डिस्कशन कर देंगे, ठीक है। दूसरी चीज इसमें ये आती है कि अगर टाइमिंग की बात करें तो फिलहाल मेरे पास शाम को 6 बजे का टाइम है, जो कि मैंने स्टार्ट किया है एक नया बैच, उसको ज्वाइन कर सकते हो अगर प्रॉब्लम ना हो तो। शाम का 6 बजे, 6 PM इवनिंग सुटेबल है। तो सुबह 8 बजे ठीक है, सुबह 8 बजे की बैच लिस्ट में मैं आपका नाम डाल देता हूँ। अब दूसरी बात आती है कि मैं क्या पढ़ाता हूँ, कैसे पढ़ाता हूँ, ये तो आपने देख लिया। तो अब आप देखना चाहते हैं कि और क्या क्या पढ़ाने की स्टाइल है, तो मेरे वेबसाइट पे वॉच ए वीडियो पे क्लिक कीजिएगा। तो मैंने तकरीबन 1600 से ऊपर वीडियोज अपलोड कर रखे, इसमें एक्सेल और वीवी दोनों से रिलेटेड है। आप कुछ वीडियो देख के आपको लग जाएगा कि हाँ मैं क्या बात है। सारी वीडियोज मेरी लाइव क्लासेस की ही रिकॉर्डिंग्स है, ठीक है। तो कुछ क्लासेस को आप अपने हिसाब से एनालाइज कीजिए, कल से सुबह 8 बजे ज्वाइन कीजिए और मेरे वेबसाइट iptindia.com पे जाके कोर्स को एनरोल करें, ठीक है। और कुछ पूछना है आपको? हाँ, हम हर एक टॉपिक को बेसिक टू एडवांस पढ़ाते हैं सर, तो अब हर टॉपिक को बेसिक भी कवर होगा और एडवांस भी कवर होगा। टाइम 8 बजे का टाइम होगा और 1.5 महीने, 1.5 महीने के आसपास, 1.5 महीने के आसपास जाएगा। हाँ, ड्यूरेशन एवरेज है, हो सकता है 2 महीना हो जाए, हो सकता है 1 महीना हो जाए, वो आपके लर्निंग स्टाइल पे डिपेंड करता है, ठीक है। और फीस 7500 फिलहाल हमारी है, उसको आप देख सकते हैं, ठीक है। तो मेरी वेबसाइट iptindia.com पे जाके कोर्स को एनरोल कर लें और कल से 8 बजे शुरू हो जाए, ठीक है, कोई बात नहीं।